हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईबीसी चैनल। आज की वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में, और ये बहुत ही इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का होता है, क्योंकि इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट जर्म प्लाज्म के होते हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होता है जेनेटिक वेरिएशंस से नेचुरली, और ये बहुत ही असेंशियल होता है स्पीसीज़ के बेटरमेंट के लिए और अल्टीमेटली एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए। और जैसे हम सब जानते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से, इसीलिए हम उनको क्लोन्स नहीं कहते, उनको हम हाइब्रिड कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिसे हम कहते हैं फेजेस इन लाइफ साइकिल। तो ये थ्री फेजेस होती हैं एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहली फेज़ होती है जुवेनाइल फेज, इसके बाद एक रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है, और थर्ड वन होती है सेनेसेंस फेज, जो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहलाती है। जुवेनाइल फेज को हम प्री रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं। और जैसे कि जुवेनाइल फेज वेजिटेटिव फेज होती है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस फेज़ में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं होते हैं सेक्सुअली, क्योंकि ये उनकी बिगनिंग होती है लाइफ की। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली व्हेन द ऑर्गेनिजम्स रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन ऑर्गेनिजम्स में, वो तब होता है जब वो एक स्टेज पे पहुँचते हैं ग्रोथ की, यानी जब वो सेक्सुअली मैच्योरिटी अटेन करते हैं। सो द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड द जुवेनाइल पीरियड। हम उसी पीरियड को, जो उनके बर्थ का और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच का पीरियड होता है, उसे हम जुवेनाइल पीरियड कहते हैं। प्लांट्स में हम इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं इस पीरियड को। एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस जुवेनाइल पीरियड, आपका जब ये जुवेनाइल पीरियड ख़त्म होता है, तो ऑर्गेनिजम्स इतने कैपेबल हो जाते हैं दैट दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सो जुवेनाइल फेज इज़ द प्री रिप्रोडक्टिव फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल। और कभी कभी क्या होता है, जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज़ आप कह सकते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो लेंथ होती है जुवेनाइल फेज की, वो वेरिएबल होती है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होती है एक फ्लावर की फॉर्मेशन से। कुछ प्लांट्स में, जैसे जो एनुअल होते हैं, एनुअल से मतलब समझते हैं आप कि उसमें फ्लावर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द ग्रोथ एंड आफ्टर दैट दे डाई। बाइनियल जो होते हैं, उनमें फ्लावर सेकेंड ईयर में आता है और उसके बाद वो डाई हो जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है एक हमारे पास पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो फ्लावर एवरी ईयर आते हैं, हैंस उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मैनी ईयर्स का होता है। तो पेरिनियल्स में भी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। पेरिनियल में भी कुछ ऐसे होते हैं जहाँ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज को। सो इन सम प्लांट्स, उसमें कुछ अनयूजुअल से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका बैम्बू है, कुछ स्पीसीज जो बैम्बू की होती हैं उनमें फ्लावर ओनली वंस इन देयर एंटायर लाइफ, उनकी पूरी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर आएगा, यानी आप कह सकते हो आफ्टर 50 to 100 years। वहीं दूसरी तरफ एक और है जिसे हम स्ट्रोबिलेंथस कुंथेनिया कहते हैं, कॉमनली हम इसे नीला कुरिंजी भी कहते हैं। और ये ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावर आपका कब आता है, वंस इन 12 years।
ठीक है, 12 ईयर्स में एक बार आएगा। तो इन एनिमल्स जो ऑनसेट है आपका रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का, ये कॉज करता है चेंजेस, जैसे उनका मॉर्फोलॉजिकल हो गया, ठीक है, उनका मॉर्फोलॉजी, उनकी बिहेवियर। और ह्यूमंस में जो बिगनिंग होती है सेक्सुअल कैपेबिलिटी की, उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं, यानी प्यूबर्टी स्टेज से ही बॉडी में चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं वो जो प्यूबर्टी से एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम प्यूबर्टल चेंजेस कहते हैं। और प्यूबर्टी एनिमल्स में जो होती है उसमें वो कैसे मार्क होती है, जब एंड होता है जुवेनाइल फेज का और ऑनसेट होता है रिप्रोडक्टिव फेज का। तो प्लांट्स में जो स्टार्ट है आपकी फ्लावरिंग की, वो मार्क करती है कि अब एंड हो गया जुवेनाइल फेज का, एंड नाउ किसका ऑनसेट हो रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज का। ओके, दूसरा, अभी जैसे हमने बताया कि लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होती हैं, तो अभी जो हमने स्टडी किया वो किया जुवेनाइल फेज को, अब हम स्टडी करेंगे ये रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जिसे हम सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं, ये वो फेज होती है जिसमें एक्चुअल रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती हैं, दैट इज ड्यूरिंग विच जिसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस इट्स ऑफ स्प्रिंग एंड द सेक्स ऑर्गन्स बिकम मैच्योर, और स्टार्ट होता है प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिमेन सेक्शुअली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो थ्रू आउट ईयर एक्टिव रहता हो। एंड सम एनिमल्स ब्रीड ओनली ड्यूरिंग सर्टेन स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर। कुछ एनिमल्स आपके ऐसे होते हैं जो केवल एक स्पेसिफिक टाइम तक ही ब्रीड करते हैं, एंड ऐसे आपके सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं, जैसे शीप है, गोट है, ठीक है, माइस है। एंड द एनिमल्स ऑन द अदर हैंड विच कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, जो थ्रू आउट द ईयर ब्रीड कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स। और प्राइमेट्स में आप दे सकते हो मैन है, मंकी है, एप्स है, एंड फीमेल्स हैव मैंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब ये ऑनसेट होता है मैंस्ट्रुअल साइकिल का, दैट पीरियड इज कॉल्ड द मेनार, एंड दिस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इन फीमेल्स। और प्राइमेट मैमल्स में दे रिमेन सेक्शुअली एक्टिव ऑल द टाइम आफ्टर प्यूबर्टल एज। एंड नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे काओ हैं, रेट्स हैं, शीप हो गया, डॉग हो गया, ठीक है। और ऑयस्ट्रस साइकिल जो होती है जिसे हम हीट साइकिल कहते हैं, वो पाई जाती है। एंड दीज मैमल्स रिमेन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ड्यूरिंग ऑयस्ट्रस पीरियड। नाउ देयर अराइज नाउ वन क्वेश्चन, दैट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीजनल ब्रीडर एंड द कंटिन्यूस ब्रीडर। अभी जैसे मैंने यहाँ दो टर्म यूज़ किए रिप्रोडक्टिव फेज में, कि कुछ सीजनल ब्रीडर्स होते हैं हमारे पास कि वो हर समय ब्रीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और एक कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं। सो वॉट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस स्टूडेंट्स, सीजनल ब्रीडर जो होते हैं ना, उनमें मेटिंग जो होती है वो अक्कर होती है ड्यूरिंग सर्टेन स्पेसिफिक सीजन ऑफ द ईयर, देर इज स्पेसिफिक सीजन फॉर दैट। और कंटिन्यूस ब्रीडर जो होते हैं उसमें मेटिंग थ्रू आउट द ईयर होती है। सीजनल ब्रीडर में मेटिंग बिहेवियर अफेक्ट होता है बाय द चेंज इन द सीजनल फैक्टर। अगर आपका टेम्परेचर है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, वाटर है, ठीक है, तो उसकी जितनी अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर अफेक्ट करता है। लेकिन कंटिन्यूस ब्रीडर में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ना, नो इफेक्ट ऑफ सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेटिंग बिहेवियर में। एंड फीमेल शो ऑयस्ट्रस साइकिल इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर, वाइल इन कंटिन्यूस ब्रीडर फीमेल्स शो मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर, जस्ट नाउ आई हैव गिव सम एग्जाम्पल्स, यू कैन गिव नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल्स, हॉर्स, पिग एक्सेट्रा, वाइल इन केस ऑफ कंटिन्यूस ब्रीडर यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमेट्स। इसके बाद हमारा लास्ट फेज आता है स्टूडेंट्स, जिसे हम कहते हैं सेनेसेंस फेज, जो कि आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है।
ये सबसे लास्ट फेज़ होता है लाइफ साइकिल का, जहाँ पर सारी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो स्टॉप होने लगती हैं, डीजनरेट होती हैं। ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हो दिस इज़ द डेथ फेज़ ऑल्सो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेजेज इन द लाइफ साइकिल। होप यू अंडरस्टूड वॉट वी हैव डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू।